नमस्कार, मेरा नाम रिकॉल है। मेरी एक कंपनी है नॉटिंगम इंग्लैंड में, जिसका नाम है इग्नाइट, और इसका उद्देश्य है कि बच्चे जो कुछ भी साइंस स्कूल में पढ़ें वो प्रयोगों के द्वारा पढ़ें, और जिससे बच्चों की विज्ञान के अंदर रुचि जागृत हो। मैं आज आपको कुछ ऐसे प्रयोग दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारा दिमाग किस तरह से रंगों को महसूस करता है। हमारा दिमाग बहुत ही जटिल होता है मस्तिष्क, और ये प्रयोग जो है इसकी कल्पना एक लंदन के एक प्रोफेसर बियो लॉटो ने करी। उनकी एक वेबसाइट है बियो लॉटो, और इस प्रयोग का आधार ये चार्ट है उनका। यहाँ पर देखिए, एक रंगों का क्यूब बना है जिसमें कई सारे स्क्वायर हैं। हम केवल दो ही स्क्वायर्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। एक देखिए, जो ऊपर वाली सतह का जो मध्य वाला स्क्वायर है, और वो देखिए आप गौर से देखेंगे तो वो भूरे रंग का है, और दूसरी सतह का बीच वाला ऑरेंज कलर का है। दोनों भी स्क्वायर्स भिन्न रंगों के हैं, एक भूरा है तो दूसरा ऑरेंज है। अब अगर मैं एक मास को लेकर के, एक कागज जिसमें केवल दो खिड़की हैं, उनसे अगर इस क्यूब को ढकूंगा तो आप अचरज में पड़ जाएंगे, दोनों का रंग दरअसल एक जैसा है। पर ये रंग हमको अलग अलग क्यों दिखते हैं? ऊपर वाला भूरा, नीचे वाला ऑरेंज, मास को रखते ही दोनों का रंग भूरा पड़ गया, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण यह है कि देखिए, नीचे वाला जो ऑरेंज वाला है वो गहरे रंगों के स्क्वायर से ढका है, ऊपर वाला जो भूरा है वो हल्के रंगों से घिरा है। तो रंग की जो पृष्ठभूमि है वो उस रंग को निर्धारित करती है। पर जैसे ही मास को रखता हूं दोनों भूरे हो जाते हैं। क्यों है ना, कितना मजेदार! रंगों की पृष्ठभूमि उनके रंग को निर्धारित करती है। अब इसी प्रयोग को मैं कुछ छात्राओं के साथ करूंगा। सबसे पहले मैं उनको इस प्रयोग के बारे में समझाता हूं कि ये बियो लॉटो का एक्सपेरिमेंट है। ये दर्शाता है कि हमारा दिमाग रंगों को किस तरह से पहचानता है। मैं इन बच्चों से कहता हूं कि आप ऊपर के मध्य वाले रंग को देखिए, स्क्वायर को देखिए, वो भूरे रंग का है। दूसरे वाले मध्य स्क्वायर को देखिए, वो ऑरेंज रंग का है। बच्चियां इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि एक भूरे रंग का और दूसरा ऑरेंज रंग का है। उसके बाद में मैं फिर वही मास्क लेता हूं कागज का, जिसके अंदर दो खिड़कियां हैं, और उस मास्क से ढक देता हूं। अब उनको दोनों खिड़कियों में एक ही रंग दिखाई देता है। देखिए बच्चियां कितनी हैरान हैं। हमारा मस्तिष्क बेहद जटिल है, क्योंकि एक रंग उसकी पृष्ठभूमि गहरे रंगों की है, दूसरे की लाइट रंगों की है, उससे ही ये अंतर नजर आता है।